राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस संबंध में आज 10 मार्च से 12 मार्च तक प्रदेश में कोई भी डीलर किसी भी प्रकार से पेट्रोल डीजल की खरीदी बिक्री नहीं करेगा। हड़ताल के ऐलान के बाद शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए गाड़ियों की लाइनें देखी गईं। पेट्रोल पंपों की ये 2 दिवसीय हड़ताल 10 मार्च को सवेरे 6 बजे शुरू हुई, जो 12 मार्च सवेरे 6 बजे तक जारी रहेगी। इन सबके बीच आम आदमी को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, सुन लीजिए लोगों का क्या कहना है। इन पेट्रोल पंप पे आया, दूर से बंद है, इसलिए मैं दूर से आया हूँ। पेट्रोल पंप ये भी बंद है, इसलिए आया हूँ मैं। कितने परेशानी? दो घंटे से परेशान हूँ भैया। मैं यहाँ से अपने रिद्धि सिद्धि चौराहे से आ रहा हूँ और कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हम काम धंधे वाले लोग हैं, परेशान हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जाना चाहिए। भैया बहुत सारे, मेरी खुद की पर्सनली नहीं बता रहा, बहुत सारे लोग हैं जो पेट्रोल के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप बंद है अभी। तो इस कारण से मेरा अनुरोध है कि ये जल्दी से जल्दी चालू किया जाना चाहिए। बता दें कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्यों की एक वर्चुअल बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने, ऑयल कंपनियों द्वारा डीलर कमीशन में बढ़ोतरी नहीं किए जाने और लिव ऑयल एवं प्रीमियम प्रोडक्ट को जबरन आपूर्ति करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी जिलों के अध्यक्ष, सचिव और आरपीडीए कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। जयपुर में इन मांगों को लेकर 11 मार्च को स्टैच्यू सर्कल से सचिवालय तक डीलर्स की एक मौन रैली भी निकाली जाएगी। इस आशय का पत्र राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी के हस्ताक्षर के साथ जारी कर दिया गया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।